समाज यह भवन 100 बेड का कुंभ के लिए मैं जिसका शिलान्यास कर चुका हूँ, कुंभ के लिए 100 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है। वो जो 100 बेड का अस्पताल है वहाँ से कुछ ना कुछ जो आधुनिक चीजें आपके कुंभ के बाद वहाँ से हटाना पड़ता है, वो आधुनिक चीजें जो लगी हैं उसको मैंने सीएमओ को कहा है कि ये यहाँ पे आप लेकर आए। जो शहर है, शहर के अंदर जब आबादी बढ़ती है तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी हम लोग को लेकर आनी चाहिए, और इसके अंदर विशेष रूप से जब से योगी जी की सरकार आई है और उनके मार्गदर्शन में जो अर्बन पीएचसीज या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो शहर के होते हैं उसको खोलने का हम लोग ने एक सिलसिला शुरू किया है, वो भी दारागंज पे भी उसको हम लोग आगे ले गए हैं। यहाँ पे अपने स्वयं अपना भवन बन रहा है, किराए का नहीं है, तो इसलिए और खुशी है। और यहाँ पर जो आधुनिक जो डायग्नोस्टिक जो होते हैं, प्राथमिक डायग्नोस्टिक सेंटर है, डिजिटल एक्सरे है, यहाँ पे प्रसर का जो विषय है वो सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। ओपीडी चलेगी, मुझे लगता है कि 100 के ऊपर ओपीडी रोज की रहेगी, मगर ये प्राथमिक है, यहाँ से रेफरल भी होएगा, मगर एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ कुंभ के अंदर जो हम लोगों ने अभी 100 बेड कुंभ के लिए तैयार कर रहे हैं वो भी बगल में है, मगर कुंभ के बाद उसके अंदर जो व्यवस्था लेकर आ रहे हैं उसकी कुछ व्यवस्था यहाँ पर भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, और उससे यहाँ पर जो सुविधा है उपचार की और उपकरण है वो और बेहतर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा।